पौराणिक कथाओं के अनुसार मरने के बाद यमलोक की यात्रा कैसे होती है? गरुड़ पुराण के अनुसार पृथ्वी से यमलोक की दूरी 99,000 योजन है, यानी 13,86,000 किलोमीटर है। पर किसी इंसान की मौत हो जाती है तो उसे लेने 2 यमदूत आते हैं और उसे मारते पीटते यमलोक लेकर जाते हैं। यमलोक पहुंचने में आत्मा को 460 दिन का समय लगता है और आत्मा को 1 दिन का भी आराम नहीं दिया जाता है। आत्मा को वैतरणी नदी भी पार करना होता है, जो इस सफर का सबसे मुश्किल रास्ता होता है। अगर उस आदमी ने अपने जीवन में गौ माता की रक्षा की है तो गौ माता स्वयं खुद आकर उस आत्मा को वैतरणी नदी पार कराती है। यदि उस व्यक्ति ने पाप किया है तो गौ माता भी कुछ नहीं करती, जिसके बाद उस व्यक्ति को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर आत्मा यमलोक पहुंचती है, जहां चित्रगुप्त उस आत्मा का पाप और पुण्य का लेखा जोखा लेते हैं। यदि उस आत्मा ने पाप किया तो नर्क और पुण्य किया तो स्वर्ग मिलता है। दोस्तों, अगर आप भी जीवन में अच्छे पुण्य पाना चाहते हो तो अच्छे कर्म करते रहो, किसी की आत्मा को मत सताओ, क्योंकि आत्मा में परमात्मा का निवास होता है। और कमेंट में जय श्री महाकाल जरूर लिखे और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।